नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार रेडियो जैट। जनपद संभल में क्राइम ब्रांच थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ बीजेपी समर्थकों ने आज डीएम और एसपी के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी समर्थक फर्जी नंबर प्लेट न बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता को क्राइम ब्रांच के थाने में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश की राज्य मंत्री गुलाब देवी से भी मिलकर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगा चुका है, लेकिन बीजेपी की राज्य मंत्री के हस्तक्षेप के बावजूद पुलिस ने अभी तक आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। जिले के एसपी का कहना है कि सीओ को मामले की जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी समर्थकों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जनपद संभल में बीजेपी के युवा मोर्चा के बहजोई नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद का आरोप है कि उसकी वाहनों की नंबर प्लेट बनाने की दुकान है। 21 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच थाने का एक पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में उसकी दुकान पर पहुंचा और वाहनों की फर्जी नंबर प्लेट बनाकर देने के लिए दबाव बनाने लगा। उसने वाहन के कागजात देखे बिना नंबर प्लेट बनाने से मना कर दिया तो पुलिस कर्मी ने उसे क्राइम ब्रांच थाने चलकर बड़े साहब से बात करने के लिए कहा। जब वह पुलिस कर्मी के साथ क्राइम ब्रांच थाने पहुंचा तो थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे गाली गलौज करते हुए जमकर पीटा। यही नहीं, उसे थाने के एक कमरे में बंद कर दिया गया। 2.5 घंटे बाद दोबारा उसे पीटने के बाद छोड़ा गया। इस घटना के बाद दहशत में आया अरविंद बीजेपी नेता राजेश शंकर राजू के साथ प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के आवास पर पहुंचा और रोते बिलखते हुए राज्य मंत्री को आपबीती सुनाकर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित अरविंद से जानकारी के बाद राज्य मंत्री गुलाब देवी ने एसपी को पूरे मामले से अवगत कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन घटना के 12 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है, न ही कोई कार्रवाई की है। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित और दर्जनों समर्थक बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान के साथ डीएम और एसपी ऑफिस पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एडिशनल एसपी आलोक कुमार ने पीड़ित और बीजेपी नेता से पूरी जानकारी, जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बीजेपी समर्थकों ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस मामले में जब एसपी यमुना प्रसाद से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया है कि मामले की जांच सीओ अशोक कुमार को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही दोषियों के खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। समाचार रेडियो जैट के लिए संभल से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ भैया जी, मैं 11 बस्ती में रहता हूँ। वैसे दुकान में शॉप आज क्या वाक्य हुआ आपके साथ में? वाक्य ये हुआ कि साहब, मैं एक नंबर प्लेट का और पेंटिंग का कार्य करता हूँ। मेरी दुकान है दुर्गाट के नाम से, चांदनी चौक के सामने बैजवी पजाई पे दुकान है मेरी साहब। एक आम आदमी की तरह एक कस्टमर ही समझो आप, कस्टमर आया तो मुझसे बोलने लगा कि भाई 1 से लेकर 10 तक तो गिनती काट दे। कस्टमर था या पुलिस का आदमी था? पुलिस का ही आदमी था, बाद में पता चलेगी कि पुलिस का आदमी है। कस्टमर हो या पुलिस का आदमी, इससे कोई वो नहीं है। मैं तो 1 से लेकर 10 तक मुझे गिनती काट दो। तो मैंने साहब, मैं ऐसे तरीके से नहीं करता हूँ काम, मैं बताऊँ आपको, मैं नंबर नहीं काटूंगा साहब। मैंने मना कर दिया तो जिद मैं चलती रही कि तू नहीं काटेगा, मैंने नहीं काटूंगा। वो कुछ ज़्यादा ही दिखाने लगा, फिर कहने लगा कि मैं क्राइम ब्रांच से आया हुआ हूँ और तो ये नंबर काटने पड़ेंगे। तो तुरंत उसने बड़े अधिकारी को फ़ोन घुमाया, उससे बात करा। हिम्मत सर बताइए सर कि ऐसा है कि तू 10 तक गिनती काट दे और 10 तक गिनती काटने के बाद में ए से लेकर जी तक उसके बल्ड काट दे इंग्लिश में। मैंने साहब क्या मुझे पूरी स्थिति बताए तो मैं नंबर काटूंगा। तो इतनी देर में उसने क्या काम करा, उसे छोटे वाले अधिकारी कह के कैसे बुला के लेकर आओ, भाजा के बुला के मुझे बुला के कहाँ ले गए थे? क्राइम ब्रांच ऑफिस में ले गए। मोटरसाइकिल मैंने खड़ी करी, उसने सब उतार दी। ताले बहुत बड़ा वाले देता मैंने सब, मुझे 2-3 हाथों से मुझे कुछ भाई लगा दिए। मारते हुए वो ऑफिस ले आके बंद कर दिए। हम कड़ी गड़ाते रहे कि मैंने साहब ऐसे कौन सा मैंने जुर्म किया जो आप तुम इस तरीके से बंद करते रहे। आरसी मांगी थी, मैं बिना
आरजी के नंबर प्लेट नहीं बना था, चेक कोई भी सही। अब आपने शिकायत कहाँ की है आज? शिकायत साहब, हमने तो पहली बात तो थाने में करने जा रहे थे, तो हमारे तो चाहिए मंत्री साहब, हमने तो मंत्री साहब के पास मैं शिकायत कर और एसपी साहब को भी देने जा रहे हैं। और पेंटिंग का काम है, सभी सरकारी काम करता है। कोई सादा वर्दी में कांस्टेबल आए थे 21 तारीख को इसके पास और बोले ए से जेड तक और 1 से 10 तक गिनती हमको काट के दे दीजिए नंबर। तो इन्होंने कहा बिना आरसी के नंबर मैं इस तरह से आपको काट के नहीं दे सकता। तो इससे नाराज होने लगे और क्राइम ब्रांच के कोई प्रभारी हैं उनसे बात कराई। क्राइम ब्रांच के प्रभारी ने भी इनको हड़काया फोन पर और कहा कि भाई बना दो। तो इनसे जब मना किया तो इसको बोले इसको उठा के ले आओ, इसको उठा के क्राइम ब्रांच ऑफिस जो भैजोई रोड पर है, भैजोई के बाहर इधर बबराला रोड पर, उसको ले गए वहाँ उठाकर 2 घंटे तक इसको मारा और उसके बाद फिर बंद कर दिया। अंदर कोई कांस्टेबल सो रहे थे, ये रो रहा था तो वो उठ के उन्होंने भी मारा, बोले मेरी नींद खराब करता है। अगर इस तरह की योगी शासन में भाजपा सरकार में अगर आप इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो आम पब्लिक और पुलिस में फिर अंतर क्या रह जाएगा? मैं अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है 3 दिन के अगर ये कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम आंदोलन करेंगे और आगे ये बात ऊपर हमारे उच्च अधिकारी और संगठन को अवगत कराएंगे। इस तरह की अभद्रता युवा मोर्चा के साथ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के लोगों को ना तो पुलिस प्रशासन में बर्दाश्त किया जा सकता है ना कहीं अन्य विभाग में। केवल हमने अभी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की और मुकदमा दर्ज कर उस पर अग्रिम जो कार्रवाई है वो उसकी मांग की। इन्होंने बताया है हमारे गुरु चेयरमैन राजू जी बैठे हैं और ये सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर भैजोई के। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से अरविंद ज्ञान नाम है इनका और ये नेम प्लेट बनाते हैं और ये तभी बनाते हैं जब किसी भी गाड़ी की आरसी देख लेते हैं। कोई व्यक्ति इनके पास आया और उसने कहा कि हमारे कटे हुए नंबर दे दो, इन्होंने मना किया कि आप जो है हमें आरसी दे दो। फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसे नहीं दोगे और इसे पकड़ के ले गए, बहुत मारपीट की इसके साथ में और अपमानित किया, 2-3 घंटे इसे बंद रखा, फिर बाद में छोड़ा। नहीं, जैसा कि इसका आरोप है इसको पुलिस से क्राइम ब्रांच ऑफिस में ले जाया गया, वहाँ मारपीट की गई, इसको लेकर कि आपको एसपी से कोई शिकायत की जा रही है? हाँ, और ये जो आवेदन लाए हैं मैं कप्तान साहब से बात करूँगी कि इस तरीके से अगर गरीब आदमी को बेइज्जत किया जाएगा तो कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कानून का सबक भी हमारी पुलिस ही सिखाती है और कानून को तोड़ने के लिए मजबूर भी करती है अगर वो क्राइम ब्रांच का है। तब पहले तो ये पता लगे कि वो कौन है, अभी तो यही इनको पता नहीं है, सिविल कपड़ों में था लेकिन क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ले गया, वहाँ पर मारपीट की और बंद रखा इसको 2-3 घंटे, जैसा इसने बताया है सब लोगों के बीच में। और ये सब लोग लेके आए हैं इसको कि कप्तान साहब से मिलेंगे और हम इस संबंध में बात करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं और गलत तरीके से काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए।